रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेता। उत्तराखंड हाई कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति को राष्ट्रपति की मंजूरी, शुक्रवार को ले सकते हैं शपथ। उत्तराखंड की सियासत में हमेशा बनी रहेगी चंदन राम दास की सादगी और सज्जनता की महक, गरीबों की थी उम्मीद। आज खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। अब खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बागेश्वर पहुंचे थे। चंदन राम दास के निधन पर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। धामी मंत्रिमंडल को चंदन राम दास की कमी हमेशा खलती रहेगी। सीधे सरल और अपने मजाकी अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले चंदन राम दास अपने कैबिनेट के सहयोगियों में काफी पसंद किए जाते थे। चंदन राम दास का राजनीति सफर 1997 में शुरू हुआ था। वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष बने थे। राज्य गठन के बाद 2000 में भाजपा में शामिल होकर पार्टी के लिए एक सिपाही की तरह काम किया। 2007 में पहली बार बागेश्वर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उनका जीत का सिलसिला जारी रहा। उनका जाना जहां राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी क्षति है, और व्यक्तिगत रूप से मेरा जो उनके साथ एक बहुत ही स्नेहपूर्ण कई दशकों का जो संबंध था, उसके नाते व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बहुत क्षति हुई है, बहुत आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके चाहने वालों को, आज जो यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में उनके सब शुभ चिंतक आए हैं, चाहने वाले आए हैं, उन सबको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज गुरुवार को सुबह 7:10 पे शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। कपाट उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए करीब 20,000 श्रद्धालु धाम मौजूद थे और वही हजारों की श्रद्धालु की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी डीसी ईश्वर प्रसाद नमुद्री ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय की कामना की। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए हैं और इसी अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालु को अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है। काशीपुर से लगातार रंगदारी के मामले से शहर के व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि काशीपुर के व्यापारियों को विदेश से फोन कर नगर के ज्वेलर्स व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक वर्मा से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का है, जिस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक वर्मा अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे और तहरीर देकर बताया कि एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और कहा कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं, मुझे 1 करोड़ दो वरना तुझे जान से मार दूंगा। वर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहने वाली जिला पंचायत एक और कारनामा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस की धामी सरकार में भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में ठेकेदार निर्माण कार्य में खूब चांदी काट रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जिला पंचायत अध्यक्ष की फटकार लगाने के बाद भी ठेकेदार अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अब जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो कार्य रोकना पड़ा, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जो भी ठेकेदार ऐसा करेगा वो मेरे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले पहले। कल को उनको कुछ गड़बड़ हो, मैं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भैया हमारी तो परमिट नहीं हुई। जिस जो काम खराब होगा, जिसकी गुणवत्ता के लिए मेरे यहाँ से कोई ढिलाई नहीं है, कोई समझौता नहीं है। सबसे पहले गुणवत्ता, मुझे तो गुणवत्ता चाहिए, वही ठेकेदार मेरे यहाँ काम करे। मेरा निर्देश ये है कि चलो, आपकी पहली गलती थी, इस सड़क को उखाड़ो, जो कायदे कानून से जैसे
जो उसका एस्टीमेट था उसके आधार पर बनाओ तो वह बनेगी, नहीं तो हम उस ठेकेदार को हटा के दूसरा ठेकेदार लगा कर बना देंगे। गांव बेलडा में ही है, बेलडा गांव में ही बाजुड़ी से जो बेलडे से बाजुड़ी जो सड़क जा रही है उसको एक दक्षिण की साइड एक खेतों का रास्ता है, हम रास्ता तो वो है नहीं, तो उसमें जो है ये पीसीसी तो कर नहीं रहे, उसमें नार भी हम डाल रहे हैं, खाली मिट्टी रेत से इंटरलॉकिंग टाइल डाली जा रही जिसकी उम्र मुश्किल से 2 या 3 महीने वो सारी धस्ती जा रही पीछे पीछे। तो हमारी तो ये मांग है कि जो संबंधित इसमें जिन्होंने टेंडर किया जिला पंचायत जो कार्यदायी संस्था है उस कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आकर देखो और जो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार है उस पर कार्रवाई करें और इस काम को तत्काल प्रभाव से रोका जाए अगर ये सही नहीं होता तो विरोध करेंगे उसका, जो काम वाली जो काम सही नहीं हो पा रहा तो उसका विरोध करा जाएगा। हाँ अगर इस तरह का मामला रहा तो हम जो है तहसील दिवस पर इसकी मांग उठाएंगे। खेल विभाग के तत्वाधान में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में कक्षा 6 में विभिन्न खेलों में प्रवेश को लेकर द्वितीय चरण का ट्रायल और चयन संपन्न हो चुका है। कंडोलिया मैदान में आयोजित इस चयन प्रक्रिया में 14 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया था जिसमें 10 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें से फुटबॉल में 6, जूडो में 2 और हॉकी में भी 2 बच्चों का चयन किया गया है। जिला क्रीड़ा अधिकारी गिरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चयनित बच्चों का मुख्य चयन ट्रायल अब देहरादून में होगा। क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि आज भी चयन ट्रायल को लेकर 50 बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें से विभिन्न खेलों में चयनित बच्चों को मुख्य चयनकर्ता को लेकर रुद्रपुर भेजा गया है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के कक्षा 6 में बच्चों का प्रवेश ट्रायल लिया गया है यहाँ पे द्वितीय चरण में, जिसमें प्रारंभिक स्तर में कम से कम 14 बच्चे यहाँ पे प्रतिभाग किया था, 13-14 बच्चों ने, जिसमें से कि यहाँ से सेलेक्ट होकर 10 बच्चे गए हैं, जिसमें फुटबॉल में 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जूडो में 2 बच्चे और हॉकी में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि अब चयनित होकर मुख्य चयन ट्रायल के लिए देहरादून स्पोर्ट्स कॉलेज में जाएंगे। आज खेल विभाग द्वारा आवश्यक छात्रावासों की एक स्कीम चलती है जिसमें कि छात्रावासों में पूरे राज्य स्तर से बच्चों को चयनित करके वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कि हमारी पौड़ी गढ़वाल में भी अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों का चयन ट्रायल चल रहा है जो कि हम 12 साल से 16 साल के बीच के बच्चों को लेते हैं और जिसमें अभी तक यहाँ पर कम से कम 50 बच्चे लगभग आए हुए हैं और अभी आने और भी आने की संभावनाएं हैं जो कि यहां से चयनित होकर मुख्य चयन ट्रायल के लिए रुद्रपुर के लिए चयनित किए जाएंगे। आज देहरादून SPCT ऑफिस में SSP सरिता डोबाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस के शिकंजे में ड्रग्स पैडलर के कब्जे से नशे के 1,360 ट्राइकम स्पैस्मोप्लाज कैप्सूल बरामद किए गए। जनपद के विभिन्न क्षेत्र में नशे की कैप्सूल की सप्लाई करता था, नशे की तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को भी सीज किया गया। कंटिन्यूएशन में जो है एक अच्छा वर्क हुआ है, इसमें जो 3 अप्रैल में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि नशे के कैप्सूल में जो है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी, तो उनसे पूछताछ में एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था जो कि इनके उन अभियुक्तों द्वारा बताया गया था कि इससे ये नशे के कैप्सूल और गोलियां खरीदते थे, तो उसी में हमारी रायपुर की टीम जो है लगातार काम कर रही थी और कल जो है खबर देहरादून थाना नेहरू कॉलोनी से है जहां IPL मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले 3 अभियुक्त को थाना नेहरू कॉलोनी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अभियुक्तों के कब्जे से 1.5 दर्जन ATM कार्ड और 24,000 नकदी बरामद किए गए हैं और साथ ही चेक बुक और सट्टा लगाने में प्रयोग की जा रही अन्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। कल नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो टीम गठित की गई CO ऑप्स के नेतृत्व में SOG और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई, तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात और इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे और लगभग जो है हमें मौके से 24,000 रुपये जो है कैश बरामद हुआ। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे वो हम लोगों ने वहाँ से बरामद किए हैं। साथ ही इनके द्वारा बताया गया है कि प्रति मैच में ये लगभग 6 से 7 लाख का सट्टा लगवाते थे और अब तक इस सीज़न में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का ये लोग सट्टा लगवा चुके हैं। ये लोग अपनी जगह बार बार बदलते हैं और अलग अलग शहरों में जा करके जो है ये सट्टा खिलवाते हैं। यहाँ पर भी ये अभी 2-3 दिन पूर्व ही आए थे, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कल इनकी अरेस्टिंग की गई है। खबर देहरादून थाना नेहरू कॉलोनी से है जहाँ अपने ही शिक्षक के घर चोरी की घटना को अंजाम देने वाली छात्र और उसके दोस्त को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
आपको बता दें कि अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चक्षा नगर से कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये एक तहरीर दी गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख को वो जो है किसी अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब चार पाँच दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, CCTV फुटेज वगैरह देखी गई, तो उसके पश्चात उसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। इसमें जो एक अभियुक्ता और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, अभियुक्ता जो है कंप्लेनेंट के घर पे उनकी वाइफ से ट्यूशन पढ़ती थी और वहीं से उसको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो वो परिवार है चार पाँच दिन के लिए बाहर जाने वाला है और उस चीज़ को उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया और उसके पश्चात 21 तारीख की रात को इनके द्वारा जो है उस घर में ताला तोड़कर अलमारी तोड़कर ये चोरी को अंजाम दिया गया। खबर पिरान कलियर के दौलतपुर गांव से है, जहां पर न्याय पंचायत कृषक महोत्सव करीब का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को जानकारी दी गई। बुधवार को विकास खंड रुड़की के दौलतपुर गांव बारात घर में न्याय पंचायत कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराई द्वारा ग्रामीणों को कच्ची आधुनिक यंत्रों की जानकारी दी गई। कृषि संबंधित सभी विभागीय अधिकारी, कृषि विज्ञान, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना, कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। 20 अधिकारी कर्मचारी विभाग के और 125 के लगभग जो है कृषक बंधुओं ने जो है आज की इस गोष्ठी में प्रतिभाग किया और इसमें सभी डिपार्टमेंट द्वारा अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। क्या वो अनुदान ले सकते हैं, किस किस योजना पर कितना अनुदान है, इसके बारे में जानकारी दी और कृषक बंधुओं द्वारा जो है मौके पर ही कृषि उद्यान पशुपालन विभाग द्वारा जो बीज दवाइयां और यंत्र थे उनका लाभ भी मौके से उठाया। सिंह नगर के जनपद खटीमा से है, खटीमा में इन दिनों फाइबर लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी द्वारा लगातार निकाले जाने के कारण प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज खटीमा फाइबर लिमिटेड के MD डॉक्टर RC रस्तोगी द्वारा अपना पक्ष मीडिया के सामने रखने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान कंपनी के MD डॉक्टर RC रस्तोगी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा किसी भी कंपनी के कर्मचारी को नहीं निकाला गया है। जिन भी कर्मचारियों को इस वक्त काम नहीं दिया जा रहा है उनको हमारे द्वारा ले ऑफ पर रखा गया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने मैनेजमेंट को एक मौका दिया। क्या हमारी बस चल रही है, ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? मार्केट में इस समय पैकेजिंग इंडस्ट्री का बहुत रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, बाजार में डिमांड नहीं है, जब डिमांड नहीं तो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो हमारी इस खटीमा फाइबर्स लिमिटेड में 3 प्लांट चलते हैं, PM1, PM2 और PM3। PM1 पे हम लोग बोर्ड बनाते हैं, चाहे कप स्टॉक हो चाहे कॉरोगेशन का मटेरियल हो। 2 नंबर में व्हाइट पैकेजिंग पर बनाते हैं और 3 नंबर में ब्राउन पैकेजिंग पर बनाते हैं। मार्केट में जब ऑर्डर नहीं थे हमारे पास तो हम क्या करें, 6 तारीख को मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि हम बाजार से ऑर्डर इकट्ठे करें और वर्करों को ले ऑफ पे भेज दें। तो हमने वर्कर जितने भी थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्लांट के सबको ले ऑफ पे भेज दिया। फिर उसके बाद में 18 तारीख को हमारे पास PM2 और PM3 के बाजार से ऑर्डर आ गए, जो अभी मैं समझता हूं कि हमारी 1 महीना आराम से चल सकती है, इतने ऑर्डर हमारे पास में है। तो वर्कर जो 2 नंबर और 3 नंबर पे काम करते थे उस प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे वर्करों को काम पे ले लिया गया और 1 नंबर मशीन पे ऑर्डर आज भी नहीं है और पहले भी हमारे पास इसीलिए बंद किया था हमने और कब आएंगे इसका हमें भी अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे पास में ऑर्डर इकट्ठे हो गए और हम महीने में 15 दिन भी चला पाए उस प्लांट को, तो इन वर्करों को दोबारा हम नियोजित कर देंगे। नियोजित करने का मेरा मतलब है ड्यूटी पे आ जाएंगे। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने गोलापार में जनता दरबार लगाया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने विभिन्न समस्याएं को रेखा आर्या के समक्ष रखा। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जनता दरबार में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, सरकार का एक अभियान चला है कि सरकार जनता के द्वार, तो ये बहुउद्देशीय शिविर का निमित्त जो है सरकार जनता के द्वार का संदेश है, जिसमें यह कोशिश की गई है कि हर ब्लॉक स्तर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी महिला जो अपनी समस्या का समाधान अभी तक में प्राप्त नहीं कर पाए हैं,
वो इस शिविरों के माध्यम से या सरकार जनता के द्वार के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखे, और रखने के साथ ही क्योंकि संबंधित विभागों के अधिकारी और जिले के जिलाधिकारी भी और SSP भी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान तत्काल प्रभाव से हो और तत्काल हो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है इस प्रकार के शिविर का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है। हल्द्वानी ब्लॉक पर मैं समझती हूँ कि कई सारे लोगों ने अपनी समस्याएं, चाहे वो सिंचाई के परिप्रेक्ष्य में हो, पेयजल के परिप्रेक्ष्य में हो, राशन कार्ड के परिप्रेक्ष्य में भी हो, या उनके नलकूप के संदर्भित हो, या उनके शिक्षकों के संदर्भ में हो, या अस्पताल के संदर्भ में हो, उसके उच्चीकरण के संदर्भ में हो, ये सारे विषय यहाँ पर लेकर आए गए, और कुछ नीतिगत विषय भी थे और उनको शासन स्तर पर जो है उसका आगे भविष्य में समाधान किया जा सकता है उस, और हम लोग अग्रसर होंगे ही होंगे, लेकिन जो तत्काल समाधान होने वाले विषय थे उसके लिए दिशा निर्देश जिलाधिकारी से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी को दिया गया है, और यह भी उनको आगाह कर दिया गया है कि अगला जब भी शिविर लगेगा तो ये समस्याएं उसमें दिखनी नहीं चाहिए, अपितु ये समस्याएं समाधान बन के सरकार को आशीर्वाद देने के स्वरूप में जो है वो दिखने चाहिए, ये साफ उनको डायरेक्शन दे दिए गए। हाँ जी, कई विभागों के अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे उनको स्पष्टीकरण लेने के लिए कहा गया है, और उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, यह भी उनको बता दिया गया है। आज चेतावनी के रूप में है, और कल यदि उनका स्पष्टीकरण यदि वाकई स्पष्ट नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखल के साथ एकजुट होते हुए निकाय चुनाव में उतरेगी। यह हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि निकाय चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, और साथ ही एकजुटता के मूल मंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे दमखल के साथ निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी। साथ ही पार्षद, सभासद, चेयरमैन और मेयर के टिकटों पर भी राय शुमारी के पश्चात दमदार उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। देखिए, लोकल बॉडीज के स्थानीय निकाय के चुनाव नजदीक आ चुके हैं, और कांग्रेस स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेतागण और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, जो संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक लगातार बैठकें हो रही हैं। मसूरी माल रोड में हुए हादसे के बाद डंपर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मसूरी में डंपर चालक का उप जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम होने के बाद ग्रामीणों ने चालक का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। वो ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम हाउस के पास टीरी बाईपास रोड पर कुछ देर का जाम लगाकर स्थानीय प्रशासन और लोक निर्माण विभाग और मसूरी नगर पालिका परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसमें जो कल घटना घटी है जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, वो बहुत दुखद घटना थी। उसी के संदर्भ में अभी PWD के अभियंता भी यहाँ मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, लोगों से वार्ता हुई और उसमें जो सहमति मिली है कि जो PWD के द्वारा जो है अभी तत्काल जो है लमसम 5 लाख रुपये दी जाएंगे और 10+5 जो है भविष्य में दी जाएंगे। 10 लाख PWD के द्वारा दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में, और बाकी 5 लाख के अन्य विभाग भी उसमें हैं तो वो भी उसमें अपना हिस्सेदारी करेंगे। और PWD द्वारा ये भी कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा 5 लाख है अगर वो नहीं भी हो पाता है तो PWD पूरी जिम्मेदारी लेगी और उस 5 लाख का भी। सर, सरकारी नौकरी की भी बात हो रही थी तो क्या उसमें सहमति बनी है? अभी इसमें जो होते हैं सिस्टम्स होते हैं जॉब के लिए वो देखा जाएगा। फिलहाल जो है PWD के द्वारा ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है तत्काल ही उसमें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा करीब 7 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों के बीच सामंजस्य न होने के कारण माल रोड में हो रहे कार्यों के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वो माल रोड के साथ सभी संपर्क मार्ग भी खोद दिए गए हैं, जिससे लोगों को वाहनों से आवाजाही करने में दिक्कत पेश आ रही है।
रही है और माल रोड में व्यापारियों के कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। मार झेली व्यापारियों ने पिछले वर्ष पेयजल निगम द्वारा रोडें खोद दी गई थी, इस वर्ष पीडब्ल्यू द्वारा रोडें खोद दी गई है। हमारी मांगों को मानना ना मानने का कोई बात नहीं रह गई है। जनप्रतिनिधि कोई बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, प्रशासन कोई बात देखने को तैयार नहीं है। जरूर कहीं ना कोई भ्रष्टाचार में कोई ना कोई या तो अधिकारी लिप्त हैं या ठेकेदार लिप्त हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर लिप्त हैं उनके। अब बहुत ही दुखद घटना है कि मसूरी की इस प्रकार से सुंदर पर्यटन नगरी को ख़राब किया जा रहा है। हमारे द्वारा साफ बता दिया गया है, हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर समस्त दुकानों के सामने से मलबा नहीं हटा तो उस दुकान के आगे, जिस दुकान के आगे मलबा है या मेनोल खुला हुआ है, ढक्कन गड्ढा खुदा हुआ है, वहाँ हम धरना देंगे सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और साफ तौर पर मसूरी के समस्त व्यापारी भाई, समस्त हमारे नागरिक एकजुट होकर अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।